हेलो दोस्तों, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाइयों, आज के दिन गेम बंद हो चुका था, जो कि एक बंद होने से 24 घंटे के अंदर ही लोग ने बताया कि गेम बंद होने वाला। मेरे को तो पता भी नहीं चला। तो भाई, यहाँ पे गेम बंद हो चुका है, गेम अपग्रेड हो चुका है और यहाँ पे गेम के अंदर बहुत सारी नई नई चीज़ें, नए नए इवेंट आने वाले हैं। तो सारी क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या है, वो सब अपन इस वीडियो के अंदर देखेंगे। उससे पहले आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलो आ जाते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो भाई, यहाँ पे पहले तो बता रहे थे कि 21 जून 12 से 2 के बीच में, यानी कि आज के दिन सुबह में 12 बजे से 2 बजे के बीच, दोपहर 2 बजे के बीच में गेम बंद रहेगा। तो वो गेम बंद था। फिर यहाँ पे भाई बहुत सारे इवेंट्स के बारे में लोगों ने बताया है। तो जो अपना सबसे पहला इवेंट है वो स्पेस टाइम रियल इवेंट है, जो अभी मेरे हिसाब से दो तीन दिन पहले चालू था इस गेम के अंदर, जिसकी नेक्स्ट डेट भी यहाँ पे बता चुके हैं, जो कि है 16 जून। तो 16 जून को स्पेस टाइम लाइन वापस से आने वाला है, पर इस बार कौन सा हेल्थ आइटम लेके आएगा वो यहाँ पे नहीं बताया गया है। वो इवेंट के अंदर ही पता चलेगा कि इस बार स्पेस टाइम आइलैंड में कौन सा हेल्थ आइटम आएगा। लास्ट टाइम ऑडसेंस आया था, तो देखते हैं इस बार कौन सा आएगा। तो अपना फर्स्ट इवेंट स्पेस टाइम जो कि आने वाला है 26 जून को। अब चले जाते हैं अपन अपने नेक्स्ट इवेंट पे, जो कि है टाइम आइलैंड अपना इवेंट रिटर्न, जिसके अंदर अपन बीस्ट रिटर्न है, जिसके अंदर अपन पोकेमोन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस बार जो पोकेमोन है जिसमें अपन सिलेक्ट कर सकते हैं वो है एंटाई, लाटियाज, राशियान, अल्क्रीमी, हुप्पा, गर्टिना और सिलेबी। तो यहाँ पे ये सारे पोकेमोन है, इनमें से आप सिलेक्ट कर सकते हो। जिसके अंदर क्या गर्टिना और हुप्पा नॉर्मल है, सिलेबी बोल सकते हो थोड़ा यूनिक है। यहाँ पे एंटाई, लाटियाज, राशियान, अल्क्रीमी और सिलेबी ये पोकेमोन है जो थोड़े यूनिक रेयर बोल सकते हैं। बाकी हुप्पा गर्टिना तो मेरे हिसाब से सबके पास हो गई होगा। तो यहाँ पे 5 पोकेमोन है। तो मेरे को आप लोग कमेंट में बताओ कि आप लोग इसमें से कौन सा पोकेमोन लेने वाले हो, एंटाई, लाटियाज, राशियान, अल्क्रीमी और सिलेबी से। और ये इवेंट जो अपना टाइम आइलैंड, ये कि 30 जून को आने वाला है। आज 21 जून है, यानी कि 9 दिन के बाद ये इवेंट आ जाएगा, अपने स्पेस टाइम आइलैंड रिटर्न्स आ जाएगा, जिसके अंदर अपने को ये सारे सिलेक्ट पोकेमोन करके मिलेंगे, जिसमें से अपन कुछ भी निकाल सकते हैं। फिर चले आते हैं अपने थर्ड इवेंट पे। अपना थर्ड इवेंट के बारे में लोग ने बहुत सारी डिटेल दी है, जो कि डिटेल है सिर्फ लिखे हैं लोग ने टर्नेबल, बस और कुछ डिटेल नहीं दिए, बस इतना लिखे कि टर्नेबल आने वाला है। तो वापस से टर्नेबल होने वाला है। अब पता नहीं यहाँ पे टर्नेबल सिलेक्ट करने वालेगा या फिर बिना सिलेक्ट करने वालेगा, क्योंकि लास्ट टाइम के जो टर्नेबल्स आए थे उसके अंदर अगर ऑप्शन मिलता था कि हमें कौन सा टीएमसी हम सिलेक्ट कर सकते, लास्ट टाइम रेकलेस टाइप का आया था, फिर उसके बाद गार्डियन वाला आया था। तो यहाँ पे सिलेक्शन वाला ऑप्शन है, लास्ट टाइम आया था ऑप्शन, तो पता नहीं इस बार लास्ट टाइम के जैसा ऑप्शन देने वाले कि नहीं, ये इवेंट आने के बाद ही पता चलेगा। जो अपना थर्ड इवेंट टर्नेबल इवेंट है वो आने वाला है 3 जुलाई को, जिसको आने अभी 10 से ज़्यादा दिन है। तो 3 जुलाई को आने वाला है अपना टर्नेबल। फिर अपन बात कर लेते हैं अपने फोर्थ और लास्ट इवेंट की, जो कि इस अपडेट के अंदर बताए गए हैं, वो है अपना सी किंग कैचिंग कंपटीशन, जो कि आने वाला है 7 जुलाई को। इसके बारे में कुछ डिटेल नहीं, और ये इवेंट एकदम सेम है, हमें जो सेम रहता है कि वही मच्छी पकड़ो, मच्छी बेचो और फिर उससे चीज़ें खरीदो कॉइन के एक्सचेंज में। तो ये 4 इवेंट, स्पेस टाइम 26 जून, टाइम आइलैंड रिटर्न, जिसके अंदर एंटाई, लाटियाज, राशियान, अल्क्रीमी, हुप्पा कन्फर्म, गर्टिना, सिलेबी 30 जून को आने वाला है, टर्नेबल 3 जुलाई, सी किंग कॉम्पिटिशन 7 जुलाई। तो ये इवेंट है, डिटेल है, जिसके लिए आज के दिन अपग्रेड आया था। तो ये सारी डिटेल हमें पता चली है आने वाले इवेंट्स के बारे में। कुछ नया पोकेमोन, नया हेल्थ आइटम, कुछ लोग ने एक्स्ट्रा ऐड नहीं किए इस बार इवेंट के अंदर। लास्ट में ऐड करे थे एक नया पोकेमोन और एक नया जेड क्रिस्टल, इस बार लोग ने कुछ नहीं किया, नॉर्मल से खाली इवेंट्स का डिटेल वाला अपडेट था ये। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतनी, वीडियो अच्छी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।